भीलवाड़ा शहर में तीन महाविद्यालयों में एबीवीपी ने मारी बाजी, एक पर एनएसयूए का कब्जा। छात्र संघ चुनाव 2022 में सत्तारूढ़ दल के समर्थक एनएसयूए को इस बार मुंह की खानी पड़ी। शहर के चार महाविद्यालयों में से तीन पर एबीवीपी ने अपना परचम फहराया, जबकि एक कृषि महाविद्यालय में ही एनएसयूए ने अपनी बाजी मारी। छात्र संघ चुनाव के मतगणना के बाद भीलवाड़ा में अधिकतर चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए कॉलेज कैंपसों पर अपना परचम फहराया। मतगणना से पूर्व सभी महाविद्यालयों में पुलिस और जिला प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए, जिसके तहत कड़ी सुरक्षा और जांच पड़ताल के बीच प्रत्याशी और उनके एजेंटों को ही अंदर प्रवेश दिया गया। वहीं भीलवाड़ा के मुख्य चार कॉलेजों में से कृषि महाविद्यालय में एनएसए ने जीत हासिल की, तो जिले के सबसे बड़े एमएलवी कॉलेज और सेठ मुरलीधर मानसिंगा कन्या महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार अपनी सीट कायम रखी। जीत की खुशी में भीलवाड़ा शहर के सरस्वती सर्कल के पास एबीवीपी समर्थकों की भारी भीड़ का जमावड़ा लग गया और ढोल नगाड़े आसमान में गुलाल छोड़ते हुए अपने प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाने लगे और विजय प्रत्याशियों का विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सर्वप्रथम तो विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने मुझे एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ताओं को छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया और मैं सभी कार्यकर्ताओं का, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और इस सबसे बड़े महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनने का सुअवसर प्राप्त कराया। और साथ ही मैं इस महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद मेरी जो इस महाविद्यालय के पहले मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष नहीं था, एक सामान्य विद्यार्थी था, तब भी मैं जिस प्रकार इस महाविद्यालय के छात्रों की सेवा कर रहा था, छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी मैं उसी प्रकार 365 दिन इस महाविद्यालय के छात्रों की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यकाल में मुख्य प्राथमिकता इस महाविद्यालय के खेल मैदान की रहेगी, क्योंकि इस महाविद्यालय का जो खेल मैदान है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में, उस खेल मैदान है उसको ठीक करवाने का प्रयास करूंगा। और दूसरी जो प्राथमिकता रहेगी इस महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं की रहेगी, क्योंकि इस महाविद्यालय में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा महाविद्यालय है परंतु यहाँ नियमित कक्षाएं नहीं चलती है, शिक्षकों की कमी है, तो दूसरी प्राथमिकता हमारी शिक्षकों की कमी पूरी करके नियमित कक्षाओं की रहेगी। हम 365 दिन कॉलेज के अंदर काम करते हैं, आज उतनी खुशी हो रही है कि हमने 365 दिन कॉलेज में काम किया और उसके लक्ष्य तक आज हम पहुंच चुके हैं। आज हमारे चारों कैंडिडेट इतने खुश है कि उनको लग रहा है कि हमने यहाँ मेहनत की और उसका फायदा बहुत ही अच्छा रहा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। आगे यही रहेगा कि हमारे कॉलेज की जितनी भी समस्या है उसका समाधान हो, हम कॉलेज में कंटिन्यू काम करेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने चुनाव ले लिया और बाहर जाएंगे, नहीं, कॉलेज के अंदर ही कंटिन्यू काम करेंगे हम। किस तरह की समस्याओं का, जैसे हॉस्टल का है, जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो खुला हुआ नहीं है और हमारे जो पीछे की दीवारें वगैरह टूटी हुई है, कैंटीन नहीं है और यहाँ एमएमए दो सब्जेक्ट में होते हैं, दर्शन शास्त्र और संस्कृत। हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हमारे एमएमए हो। नाम सुमित्रा गुर्जर, अध्यक्ष पद पर खड़ी हुई हूँ।